हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हो दोस्तों, यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन में एच डी क्वालिटी वाला फोटो या फिर वीडियोस डाउनलोड करना चाहते हैं जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, यदि आपका यूट्यूब चैनल है भी सोशल साइट पे अगर आप शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है। इसमें आपको फोटो और वीडियोस डाउनलोड करने का पूरा खजाना बताने वाला, तो आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे पिक्सेल्स है, अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आकर के पिक्सेल्स लिख करके सर्च कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे सर्च कर देते हैं, यहाँ पे जो वेबसाइट दिखाई देगा इसके ऊपर मैं आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आपको अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ढेर सारा वीडियोस मिल जाएगा। जो भी वीडियोस आप डाउनलोड करना चाहते हो उस वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करके आप इसको डाउनलोड पा रहे कि सर्च करने का भी ऑप्शन दिया हुआ, जिसमें कि दो ऑप्शन दिया हुआ है सर्च में। यहाँ पे एक है फोटो, दूसरा है वीडियोज। तो जो भी आप चीज़ सर्च करना चाहते हैं, जैसे फोटो सर्च करना चाहते हैं तो फोटो के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। अब जो भी जिस भी टाइप का नाम लिखना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पे मोटिवेशनल लिख करके सर्च कर दिए तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे ढेर सारा मोटिवेशनल इमेज आ गया है। इसी तरीके से यदि आपको यहाँ पे वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं लिख करके फिर से सर्च कर दीजिएगा। तो इस तरीके से अब आपके सामने में जो भी आएगा वो वीडियोज़ है। और यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो डाउनलोड बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कहीं वेबसाइट जो आपको बताने वाले फिक्सा बाय, यहाँ पे आप देख पा रहे आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम में आकर के इसके ऊपर में आप गूगल क्रोम में आकर के सर्च कर लीजिएगा। आप फिर सारा वीडियोज़ मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो थ्री लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर देते तो यहाँ पे आप देख पा रहे फोटोज़ हो गया, वीडियोस हो गया, म्यूजिक हो गया, जिफ हो गया, इस तरीके से ढेर सारा चीज़। अब यहाँ पे अपलोड भी अगर आप करना चाहो तो अपलोड भी कर सकते हो, साथ ही साथ यदि आप डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पे नीचे में आपको काफ़ी कुछ ऑप्शन दिया हुआ जिसके ऊपर मैं क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। वेबसाइट आपको बता रहा हूँ एडोब का, तो आप देख पा रहे एडोब लिख करके आपको सर्च कीजिएगा, इनके ऊपर मैं आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा आप इसमें भी फोटो और वीडियो जो है बना सकते हैं। इसके लिए तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको यूज कर सकते हैं। वेबसाइट आपको बताने वाले यहाँ पे है MOVAI, इस तरीके से आपको गूगल क्रोम में लिख करके सर्च कर देना है। यहाँ पे जो लिंक दिखाई देगा इस लिंक के ऊपर मैं आपको एक क्लिक कर देना है। अब इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा फिर को आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, कि एप्लीकेशन की तरह काम करता है। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें से जो भी आप यूज करना चाहते हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसमें कर सकते हैं, फोटो भी अपलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला वेबसाइट आप जो आपको बताने हो जिसका नाम है केनवा, इस वेबसाइट पे भी आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी शॉर्ट वीडियोस टाइप का बना सकते हैं, आप एनिमेटेड वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, उस कैनवास को ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है जिसको आप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है VEED.io, आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसको लिख करके सर्च कीजिएगा। इसका इंटरफेस इस तरीके से आएगा, इसमें भी आप भी फोटो और वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही एनिमेटेड वीडियो अगर आप बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, टेक्स्ट ओवर भी इसमें कर सकते हो, काफ़ी कुछ इसमें आप अपना ऐड कर सकते हो। इस वेबसाइट को यूज करने के लिए आपको पहले लॉग इन कर लेना है, उसके बाद इसमें आप जो भी मर्जी आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगला जो वेबसाइट है जिस वेबसाइट का नाम है एनीमोटो, इस वेबसाइट को भी आप यूज यदि करना चाहो तो आप अपने मोबाइल कंप्यूटर में कर सकते हो, गूगल क्रोम में आकर के सर्च कर देना है। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड फ्री, इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करके आप इसके थ्रू से भी फोटोज़ वीडियो म्यूजिक वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। इसको यदि आप यूज करना चाहो पहली बार, आपको पहले इसमें साइन अप करना पड़ेगा, आपको अपना आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, करके आप इसको यूज कर सकते हो। जो वेबसाइट है जिस वेबसाइट का नाम है MixKit, आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। ये भी एक यूज करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम में आ जाइएगा, वहाँ पर आपको सर्च करना है MixKit, उसके बाद फिर इस तरीके से वेबसाइट दिखाई देगा। यहाँ पे आपको वीडियोस दिखाई दे रहा है, म्यूजिक दिखाई दे रहा है, साउंड इफेक्ट दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारे टेम्पलेट है, साथ ही साथ आइकॉन भी दिया हुआ है। जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हो वही आपको लिख करके फिर यहाँ पे सर्च कर देना है। दोस्तों अगला जो वेबसाइट आपको बताने वाला हूँ जिस वेबसाइट का नाम क्लीडियो, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इस वेबसाइट की मदद से आप अपना खुद का मनचाहा वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। इसको बनाने के लिए यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर में जाना है, चूज फाइल के ऊपर में क्लिक करके आप जो भी इसमें अपलोड करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो वेबसाइट है जिस वेबसाइट का नाम है बीटलेबल, में क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो आप इफेक्ट देख पा रहे हैं इसी तरीके का, यदि आप वीडियोस क्रिएट करना चाहते हो आप खुद का वीडियोस बना सकते हो। आप का नाम है अनफ्लैश, आपको गूगल क्रोम में अनफ्लैश लिख करके सर्च कर देना है। यहाँ पे जो वेबसाइट दिखाई देगा इसके ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा।
इसके माध्यम से भी आप ढेर सारा चीज़ वीडियोस फोटोज वगैरह जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं, क्लिप डाउनलोड करना चाहते, बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला वेबसाइट आपको बताना हूँ, जिस वेबसाइट का नाम है फ्लिक्सर, तो यहाँ पे फ्लिक्सर लिख करके सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने में फिर से इस टाइप का इसका इंटरफेस दिखा देगा, जिसमें आपको भी वीडियोस फोटो बना सकते हो। फोटो से वीडियोस बनाना है तो यहाँ पे एक वेबसाइट आपको बताना है, जिस वेबसाइट का नाम है कैपिंग, तो आपको कैपिंग लिख करके सर्च कर देना गूगल क्रोम में। इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड करके और एक वीडियोस क्लिप क्रिएट कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने किसी भी फोटो पे वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं और भी ढेर सारे चीज़ इसमें अप्लाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आपको बता दूँ, जो वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर है, जिस वेबसाइट का नाम है DID, आपको गूगल क्रोम में DID लिख करके सर्च कर देना है। ऊपर में क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है, इसकी जगह इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। वेबसाइट के जो खास फीचर्स है, आप किसी भी फोटो को बुलवा सकते हो, साथ ही साथ जो भी टेक्स्ट लिखिएगा उसको एक ऑडियो में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ढेर में ऐप को भी इंस्टॉल करके इसको यूज कर सकते हो। तो आपको सीधे अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद वहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको लिख देना है फोटोज़ वीडियोज़। जैसे आप फोटो वीडियोज़ लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऐप मिल जाएगा, जिस ऐप को आप अपने मोबाइल फ़ोन में एक क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो और फिर आप इस ऐप की मदद से आप अपना फोटो को एडिट कर सकते हो, खुद का वीडियोज क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से आप सारा चीज़ कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो में जितने भी वेबसाइट बताए, किसी वेबसाइट का अगर आपको कभी भी नाम याद नहीं रहता है और फिर अगर आप खोजना चाहते हो तो किस तरीके से, किस ट्रिक से आप गूगल से खोज सकते हो या फिर प्ले स्टोर में जाकर के सर्च कर सकते हो। आपको कोई भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन का नाम आपको याद रखने का जरूरत नहीं। तो जो सीक्रेट ट्रिक है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा, प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर सर्च बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, सर्च बॉक्स में इस टाइप से आपको लिख देना है फोटोज़ वीडियोज़। एक एग्जाम्पल बता रहे आपको फोटो वीडियोज़ का। यदि आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, यदि आपको कोई भी वेबसाइट के बारे में आपको पता नहीं रहता है उस वेबसाइट का क्या नाम है, तो आपको यहाँ पे गूगल क्रोम में आकर के और सीधा जो भी आपका काम है उस हिसाब से आपको टाइप कर देना है। जैसे आप टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको उसी से रिलेटेड सर्च आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप जो भी यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियो ला सकूँ। वंदे मातरम।